और मऊ जिले के कोपागंज थाना के पुलिस के खिलाफ घुसखोरी का आरोप लगा है। तो बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा रास्ते में सीढ़ी बनाने का आरोप लगाकर पीड़ित से पैसा मांगा गया और पीड़ित द्वारा पैसा ना देने पर असमर्थता जताने पर उसकी सीढ़ी को पुलिस द्वारा तोड़वा दिया गया। तो पुलिस द्वारा पीड़ित को बार बार परेशान करने को लेकर सामाजिक संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं दुकानदारों से भिक्षाटन कर पुलिस को पैसा देने के लिए भिक्षा इकट्ठा किया गया। जी मैं पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चतुर्वेदी सेना प्रमुख, और आज मैं आया हूँ ग्राम सभा जगना के रहने वाले हैं रामकुंवर चौहान जी है। और ये देख सकते हैं आप, इतनी ये देख लीजिए कि कितनी ये मजबूरी में गमछा लिए हैं, पैसा नहीं है, देख ली सकते हैं। और इनकी इनका घर बना था, घर से आने के लिए सीढ़ी बनी थी, सीढ़ी बनी थी कि उतर जाए चढ़ जाए, लेकिन कोपागंज के तीन सिपाही मंजीत कुमार, गोविंद पाल और शिवचन यादव जी दीवान है, इनसे 5,000 रुपया मांगा गया। 8 तारीख को पूरा दिन भर बैठाया गया और 5,000 रुपया मांगा गया, अगर 5,000 नहीं देंगे तो सीढ़ी तोड़वा देंगे। इसलिए आया ना कि हम अपने जमीन में सीढ़ी बना ले रहे हैं। ओकरे बाद 8 तारीख को लोग गए ना पुलिस लोग, वहाँ पर जा करके बोले कि 5,000 रुपए देंगे तो तुम्हारी सीढ़ी बचेगी। तीन जाना पुलिस है, मंजीत है और दो आदमी और हैं, वो भी राम बच्चन शिवचन एक पाल है, वो भी है, तीनों भी है, और बोले कि नहीं देगा तो तुम्हारी सीढ़ी टूट जाएगी। श्रीमान जी मैंने पैसे नहीं दे पाया, न जीत पाया, मैं नहीं दे पाया, उस सीढ़ी को तोड़वा दिए श्रीमान जी। आप कहाँ जा